रेजमा क्या कहना चाहेंगे, एक बड़ी कामयाबी, काफ़ी मेहनत लगी इसके लिए और नहीं, हर काम में दुश्वारियाँ तो आती है, लेकिन जिस तरह से आवाम का सपोर्ट मिला, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब का, मेयर का, सबका बहुत सपोर्ट मिला, इंजीनियर्स का, और आज ये पूरे मुंबई में सबसे खूबसूरत जगह बन गई है। भारत रत्न मौलाना आज़ाद का म्यूरल भी है यहाँ पर, 25 मीटर ऊँचा लहराता हुआ झंडा भी है और साथ में एमपी थिएटर है। तो ये लोगों के सपोर्ट से हुआ है। मैं मदनपुरा नागपाड़ा की आवाम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि जितने भी चैलेंजेस आए लगा बहुत छोटे हैं, और ये आज ये कामयाबी, ये आवाम की कामयाबी और मदनपुरा नागपाड़ा की कामयाबी है। सर, आप किससे इंस्पायर होके यहाँ पर आपने इसका निर्माण किया? देखिए, किसी हिंदुस्तानी को इंस्पायर होने के लिए राष्ट्रध्वज काफ़ी है। मेरे बचपन से दिल में था कि हमारे इलाकों में हर जगह पर राष्ट्रध्वज हो। मैं उस सोच का हूँ कि राष्ट्रध्वज जो है हमारी यूनिटी का, हमारी पहचान, ये राष्ट्रध्वज है। तो मेरे दिल में था कि ये राष्ट्रध्वज मैं कहीं ना कहीं लगाऊं। 7 साल से मेरी ये कोशिश थी और आज अल्लाह ताला ने आवाम की मदद से ये कामयाबी हम सबको दी है। आज के तारीख में अगर बात करें तो जो मुस्लिम लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं इतिहास में खोते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन आपने फिर से उन्हें उजागर किया है। कितना फ़ायदा युवाओं को इससे पहुँचने वाला है और क्या कहना चाहिए? देखिए, यहाँ पे भारत रत्न मौलाना आज़ाद का म्यूरल है, सामने मिर्ज़ा गालिब है, आगे जाएंगे तो हकीम अजमल खान डिस्पेंसरी है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे महापुरुष है, जो लोग हमारे पूर्वज है, जिन्होंने देश की तरक्की में, देश की आज़ादी में अपना खून पसीना ज़िंदगी सब कुछ दे दिया, उनके बारे में आने वाली पीढ़ी जाने, और ये उसी का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि मौलाना आज़ाद को बच्चे देखेंगे, वक्स को अपने दिल में रखेंगे और उनकी तालीमात को भी अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। क्या लगता है आपको?